हे गाइस वेलकम बैक टू सिनेमा यारी। भीड़ मूवी जो राजकुमार राव की आने वाली मूवी है, मोस्ट अवेटेड मूवी है उनकी। और भीड़ के बारे में बहुत पहले मतलब आई थी खबर कि भीड़ नाम की एक मूवी आने वाली है, और ऐसा कहा जा रहा था कि 24 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल। लेकिन जो भीड़ का अनाउंसमेंट है वो अब हुआ है, तो ऐसा लगता है शायद उसकी डेट थोड़ी आगे बढ़ के आएगी। तो देखते हैं, भीड़ का अनाउंसमेंट आज हुआ है, राजकुमार राव है और भूमि पेडनेकर भैया, मतलब एक्टिंग का लेवल दोनों का 100 समझो। मतलब कि एक तो भाई हमारे एफटीआई से पास आउट है राजकुमार साहब, और भूमि की एक्टिंग को कौन नहीं जानता यार। मतलब बहुत शानदार एक्टिंग करती है वो, और अभी प्राइम पे भी उनकी मूवी आई थी उसमें कितनी गजब की एक्टिंग थी। वो हॉरर मूवी थी उनकी, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, पर वो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत शानदार की एक्टर है भूमि भी। और राजकुमार राव देखने को दिख रहे हैं इसमें, तो मतलब अनुभव सिन्हा शायद डायरेक्टर है, अनुभव सिन्हा और भूषण कुमार तो प्रोड्यूसर जानते हैं, प्रोड्यूसर है। चलो पे लॉन्च हुआ है इनका, डेट अनाउंसमेंट है शायद, देखते हैं अनाउंसमेंट, देखते हैं क्या करता है बॉलीवुड। अब राजकुमार राव जी का एक पहले आया था कि अब वो कभी भी कॉपी मूवी नहीं बनाएंगे, बहुत अच्छा डिसीजन है जो की ये, देखते हैं कि कॉपी तो नहीं होगी। वैसे तो ऐसा लग रहा है रियल स्टोरी पे बेस्ड है, और जो टीजर का थंबनेल है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ऐसा लगता है शायद ये मूवी भी ब्लैक एंड व्हाइट बनेगी। पहली मूवी शायद, जो पहली ही तो नहीं होगी, पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट ही बनती थी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट बने। देखते लेट्स सी कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, लेट्स सी। ये कहानी इतिहास के ऐसे बनने की है जब हमारा देश बट गया था, आजादी एक ऐसा वक्त जिसने पूरे देश को उसकी जड़ों से हिलाकर रख दिया था। आपको लग रहा होगा कि 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही है, आप गलत हैं। लेकिन नहीं, एक बार फिर हुआ था बंटवारा 2030 में, जब हमारे ही देश में बॉर्डर सील किए गए थे, और अचानक लोगों को यह एहसास हुआ कि वो घर उनके हैं ही नहीं जहां वो इतने सालों से रह रहे थे। और एक बार फिर हमारे समाज को अंधकार ने घेर लिया। अरे ये आवाज तो कितनी जानी पहचानी है, आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। अरे ये अपने बहुत अच्छे एक्टर हैं ये, और ये कविताएं भी लिखते हैं। आशुतोष राणा जो राज मूवी में भी थे और कई मूवीज में रह चुके हैं, जो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। ओके, तो ये जो टीजर है इससे पता चला कि बंटवारा हुआ था उस टाइम की कहानी है। शुरू में ऐसा लगा कि शायद 1947 में जो बंटवारा था उसकी बात थी, लेकिन ये अभी लेटेस्ट जो जिससे अभी भी बहुत सारे देश अभी भी लड़े ही रहे हैं, मतलब कोरोना वायरस वाली जो लॉकडाउन लगा था, मुझे तो सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की। लाइक जो फोटोज को, जो आज की फोटोज हैं और जो 1947 की फोटोज हैं, उस चीज को मिक्स करके वो चीज ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, शायद कुछ बदला ही नहीं है जैसे, शायद तब भी ऐसा ही था सब कुछ और आज भी है, मे बी हो। और इसमें डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये डेट कब आने वाली है, इसका कोई अभी बताया कुछ नहीं। आई थिंक कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है क्योंकि कुछ डिफरेंट दिख रहा है इसमें, हो सकता है कि पॉलिटिकल कुछ तत्व हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। और बाकी अच्छी है जो, मतलब जो आवाज है पीछे से और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। मतलब शुरू में आप हंसते हुए देखोगे, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते आप टीजर अनाउंसमेंट जो है उसमें आप एकदम सीरियस हो जाओगे कि यार ये तो बहुत सीरियस जो मैटर है, जो बहुत से लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मजाक था कि यार होगा होगा तो, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद शायद उन लोगों को भी पता चलेगा, और हमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पता है तो पता चलेगी, तो देखते हैं कि कैसी रहती है। और अनाउंसमेंट हो चुका है, देखते हैं इसकी डेट क्या रहती है। और इस सिनेमायारी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी जब भी जो भी डेट अनाउंसमेंट होगी उसका भी रिएक्शन हम जरूर कर लो, कर लो सब्सक्राइब कर लो, तो उससे आपको अनाउंसमेंट की डेट भी पता चलेगी और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे जी। तो देखते हैं कि मूवी कैसी रहती है, और राजकुमार राव सीरियस वाले मोड में ज्यादा अच्छा एक्ट करते हैं, करते हैं जैसा कि हर चीज में वो अच्छे एक्ट करते हैं, लेकिन एक सीरियस टॉपिक है, बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक, मजा आएगा। वो एक्चुअली वो हर चीज को बहुत अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से। तलाश मूवी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने,
फिर उसके बाद अभी ये जो लास्ट में आई थी स्त्री 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 से तो बहुत ही ज्यादा एक्टिंग वो बहुत अच्छी करते हैं आप उनको देख के कभी ये नहीं कहोगे और मेड इन चाइना को आप कभी नहीं भूल सकते मेड इन चाइना मेड इन चाइना मूवी में उनकी एक्टिंग की बहुत बढ़िया कस्टमर क्या है वो बहुत ज्यादा मतलब कस्टमर ही थी वो बेचारा ठीक है देखते हैं कि क्या रहता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सिनेमावारी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रिएक्शन रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस